दोस्तों आपको पता होगा पिछले काफी महीनों से शिक्षकों समेत कई सरकारी कर्मचारी सरकार के नए पेंशन योजना का विरोध कर रहे हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शिक्षक काली पट्टी बांध कर नई पेंशन योजना का विरोध करते आए थे और पुरानी पेंशन योजना OPS को लागू करने की मांग करी थी। इस बीच लोकसभा के चुनाव से पहले एक हाईकोर्ट के तरफ से भी एक बड़ा फैसला सुनाया गया। पेंशन को लेकर एक अहम टिप्पणी की गई थी। क्या अब फैसला कर्मचारियों के हित में है, वो बड़ा फैसला मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले देखिए पुरानी पेंशन योजना OPS को लेकर क्या माहौल चल रहा है। देखिए लोकसभा के चुनाव से पहले OPS की मांग कर रहे कर्मियों को भी अब बदलेंगे सुर, चुनावी तैयारियों पर भी पानी फेर सकते हैं। यह खबर है उत्तराखंड में, जहां प्रदेश में करीब 92,000 कर्मचारी हैं जो पुरानी पेंशन को बहाली की मांग कर रहे हैं। ये कर्मचारी बीते कई वर्षों से आंदोलनरत हैं। अभी चुनाव को लेकर भी कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर बोलने लगे हैं। यहां तक कि उनका साफ कहना है कि चुनाव में खड़े जो दल यानी जो राजनीतिक पार्टी पुरानी पेंशन बहाली की घोषणा को अपने घोषणा पत्र में शामिल करेंगे तो प्रदेश के कर्मचारी उन पार्टियों को भी वोट नहीं करेगी। यहां तक कि उनके परिवार जन भी उसी पार्टी को वोट करेंगे जो उनकी बातों को सुनेगा, यानी कि चुनावी घोषणा पत्र में पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की शर्तें रखेंगे। उसी राजनीतिक पार्टी को सरकारी कर्मचारी वोट करेंगे। उत्तराखंड में यह बातें हाल ही में की गई है और इसके लिए बकायदा कर्मचारियों ने एक पोस्टर भी जारी किया है। यह पोस्टर के जरिए वह अपने कर्मचारियों को एकजुट करने की अपील भी कर रहे हैं। ठीक है, ये तो अब OPS अपडेट रहा। हालांकि सरकार ने पेंशन से संबंधित कई सारी योजनाएं चला रखी है। किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 का पेंशन मिलता है। किसानों के अलावा प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोग भी इस सरकार की योजना का फायदा ले सकते हैं। किसान मानधन योजना का नाम तो आप सभी ने सुना होगा, जिसमें 18 से 40 साल तक के उम्र के किसान इस योजना में निवेश कर सकेंगे और किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 तक पेंशन मिलता है। ठीक ऐसे ही योजना सरकार ने प्राइवेट सेक्टर के लिए भी चला रखी है और हाल ही में पेंशन को लेकर कुछ नए नियम बदले गए। NPS योजना में अप्रैल से ही नेशनल पेंशन सिस्टम में आधार कार्ड वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। फर्जीवाड़े धोखाधड़ियों पर रोक लगाने के लिए पहले अप्रैल रूल्स के अंदर की NPS CRA में लॉगिन के लिए अब आधार OTP वेरिफिकेशन जरूरी होगा। इससे होगा ये कि आप धोखाधड़ी से बचे रहोगे। इससे पहले भी पेंशन को लेकर एक नया नियम बदला गया था, अब पेंशन 60% तक निकाल सकेंगे। अपना फंड भी यहाँ नियम बदल चुका है। SLDEV यानी पेंशन भोगी सिस्टमेयर सुविधा के जरिए अपने फंड का लगभग 60% तक पीरियोडिक ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसे NPS ग्राहकों के लिए पेंशन फंड नियम और विकास प्राधिकरण यानी कि PFRDA द्वारा अनुमति दी गई। इस नियम के बारे में आप कुछ और विस्तृत जानकारी आप देख सकते हैं। लेकिन अभी लेटेस्ट न्यूज ये है दोस्तों, पेंशन धारकों के लिए देखिए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से एक अहम बड़ी टिप्पणी दी गई। फैसला सुनाया गया कि पेंशन और सेवा लाभ देना सरकार का कोई वरदान या कृपा नहीं है, हालांकि यह कर्मचारियों का कानूनी हक है। मतलब सरकार जो कर्मचारियों को पेंशन दे रही है ना कोई एहसान कर रही है, क्योंकि पेंशन देना कोई सरकार की तरफ से आशीर्वाद या कृपा नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों का अधिकार है, कर्मियों का राइट्स है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक अहम टिप्पणी की गई है, जिसमें कहा गया कि बिना किसी औचित्य के इसे देने का इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि हाई कोर्ट ने इस फैसले के दौरान टिप्पणी करते हुए यह कहा, NPS यानी कि पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन के मुद्दे से संबंधित टिप्पणी नहीं की है, बल्कि पेंशन पर आधारित ये टिप्पणी की गई है। खैर किसी भी तरह का पेंशन के लिए टिप्पणी की गई हो, लेकिन कर्मचारियों के लिए हाई कोर्ट की तरफ से यह बयान ऐसे समय में आया है जब कर्मचारियां OPSR हैं, तो उसके लिए यह बयान वाकई में एक बड़े हथियार की तरह काम करेगा। तो दोस्तों बस यही आज का वीडियो था। इस वीडियो के थ्रू आपको पेंशन से रिलेटेड अहम ज्ञान मिल गया होगा। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।